मन है, दिल है, अंतर है, हमारा अंतःकरण है, उसमें जो निंदा के, बुराई के, चुगली के, उसमें बुरे ख्याल जो घुसे हुए हैं, पाप कर करके ने जो हमारा हृदय हमने कलुषित कर रखा है, वो किस चीज से साफ होगा? ओ धोपे नामे के रंग, उसकी सफाई नाम से होगी। इसलिए बात वहीं आके रुकती है कि नाम आदमी के अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करके, उसमें क्यों शुद्ध और पवित्र करना चाहिए कि परमात्मा का वास है इसमें। परमात्मा वहीं जाके बैठता है जहां पवित्रता है। इसलिए हमें अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा था, जो दीन, गरीब, अधीन अपने आप को तुच्छ मानना शुरू कर देगा, जिस प्रकार से सहजो भाई ने कहा है ना, छोटा जो बन जाता है उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन बड़ा जो बनता है अहंकारी बन जाता है, अभिमानी बन जाता है, वो मारा जाता है। संत मत की लाइन है, अपने आप को नीचा बनाओ, दीन बनाओ, बिल्कुल ऐसा बनाओ कि जिस प्रकार से कबीर साहब ने कहा कि मैं नानक साहब ने कहा मैं नीचन का नीच, कबीर साहब ने कहा बांदी जाम गुलाम हूं, रविदास ने कहा कि मैं तो नीची जात मरे हुए डांगर ढोने वालों के पैदा हुआ हूं, सब ने ऐसा कहा है। उन्होंने क्यों कहा ऐसे, वो थे नहीं, आगे जाके तो उन्होंने कह दिया कि हम तो गुण प्रवीण हैं, ब्राह्मण लोग भी हमारे पांव पूजते हैं। उसी रविदास ने कहा कि रविदास ब्राह्मण ना पूजिए जो होवे गुण हीन, के रविदास उस ब्राह्मण को ना पूजो जो गुणहीन है, पांव पूजो चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, के जो गुण से प्रवीण होता है उसके पांव पूजो। जाति पाति कोई नहीं पूछता, परमात्मा के दरबार में भक्ति प्यार की पूजा है, वहां जाति पाति नहीं, रू तो एक ही थी, आए एक ही ठोर से, उतरे एक ही घाट, समझो का मत एक रन समझे बारह बाट, एक ही हमारी जाति थी जब उतर के आए परमात्मा के दरबार में। दूसरी जाति नहीं, जाति इंसान ने बनाई है। संतों के दरबार में जाति भेद नहीं है, किसी धर्म का भी भेद नहीं है। जो धर्म जाति के भेद लगाता है, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, वो गुरु नहीं है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो यही है कि सब जीवों को समान मानो, उनमें आत्म रूप पहचानो, अपनी ही आत्मा का रूप जो जिस सब में समझता है, सब जीव में समझता है, तब जानो कि हम में कुछ दीनता आई है। लेकिन जो अपने आप को ऊंचा मानता है, बुरी बात है। तो मैंने कहा कि सहजो भाई क्या कहती है, सहजो भाई तो कहती है कि इतने नीचे रहो कि जिस प्रकार से चींटी, कीड़ी, चींटी जैसे महल में जाके मन मर्जी की चीज खा लेती है, लेकिन हाथी बड़ा होता है घर में नहीं जा सकता। हाथी तो किसी किसी घर में घुस सकेगा, दरवाजे इतने चौड़े नहीं होते। चींटी जाके महल में जहां तहां रस ले, और कुंजर इतना अति बड़ो और सिर में डा रखे, वो अंदर नहीं जा सकता, वो तो मिट्टी की धूल भरेगा और सिर पर देही पर फेंकेगा। इसलिए बड़े ना बनो, समझ गए, बड़े बड़ाई ना तजे छोटे बहु इतराए, कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़ाई ना तजे छोटे बहुत इतराए। बड़ा कौन होता है, जो बड़े काम करता है। लेकिन छोटा आदमी बड़ा बन जाता है, वो इतराता है कैसे, प्यादे से फर्जी भया तो टेढ़ा मेढ़ा जाए। शतरंज के खेल में अगर प्यादा है वो फर्जी बन जाता है ना, चाल चलते चलते प्यादे का फर्जी बन जाता है, और जब वो फर्जी बन जाता है उसको फिर इजाजत हो जाती है, और टेढ़ी भी मार करता है सीधी भी। तो इसलिए जो छोटे होते हैं वो थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं तो फिर वो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलनी शुरू कर देते हैं। लेकिन संत मत की और नाम के अभ्यासियों की ये बात नहीं है। जो नाम की कमाई करता चला जाएगा वो उतना ही गहरा, उतना ही शिथिल, उतना ही धैर्यवान, उतना ही सहनशील, उतना ही नरम और दीन बनता चला जाएगा। ये संतों का मत है। इसलिए प्रेमियों, मैं बार बार यही आपको कहा करता हूँ कि आप सारे काम भूल के परमात्मा का नाम जरूर जपया करो। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो सुमन कर लोगे, तुम्हारे लिए वही बहुत है।
सुमरण कर लोगे तो भी बहुत है। इस युग में जो इंसान बुरे कामों को त्याग के अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लगा के गुरु की शरण में जाके बुरे आदतों को त्याग देता है और नाम का सुमरण मात्र कर लेता है, उस जीव का भी कल्याण निश्चित है, जरूर हो जाता है। तो मालिक आप सबको इतनी ताकत दे, आपकी बुद्धि को इस ओर लगाए, आपके मन को प्रभु की भक्ति की ओर जोड़े, बुराइयां आपकी निकाले और आपके सभी कर्मों का विनाश होके इसी जीवन में आपका जीते जी कल्याण हो और आप खुद पाओ जीते जी इस जीवन का आनंद लो और शरीर छोड़ने के बाद अपने सतगुरु के चरणों में जाके समाओ। राधा सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते रा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी
स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाके राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, साधु फल तो नानक कबीरा, स्वामी सालक अरमान फकीरा, स्वामी सालक अरमान फकीरा, नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाके राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, सतगुरु समझाई सत्य गुरु
कम से कम देखा करो, अपने मुसलमान भाई हैं, मक्का मदीना में जाते हैं, इतना कष्ट उठा के मुश्किल से नंबर पड़ता है हज करने के लिए, और वहाँ पर हज करने जाके वो सिर झुकाते हैं, सब के सब इस तरह से लेट जाते हैं। लेकिन आप लोग तो तुम्हारे घर में आके हज होने लग रही, फिर भी मत्था को नहीं झुका, उसको फिर के राधा सुनी।